नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में गोलबंदी भी जारी। अब छोटे और कमजोर देश दो शक्तिशाली देशों की लड़ाई में पिस रहे हैं। पहले जिस बात के लिए गोलबंदी हो रही है उसके बारे में बता दें। जी हाँ, दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही। कोरोना मीटर के अनुसार पूरी दुनिया में 2,31,48,526 लोग संक्रमित हैं और लगभग 8,03,784 लोगों की मौत हुई। उसी बीच अमेरिका और चीन के बीच युद्ध जारी। इसके साथ ही साथ दोनों देश एक दूसरे को धमकी भी दे रहे हैं और एक दूसरे को डराने के लिए तरह तरह के इंतजाम भी कर रहे हैं। इसी को लेकर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। यह अभ्यास हवाई द्वीप के पास रिमपैक के नाम से शुरू हुआ है। 17 अगस्त से 31 तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दुनिया के 10 देश अपने सबसे खतरनाक और महाविनाशक युद्धपोत और सबमरीन को लेकर हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में चीन को न्योता नहीं दिया गया। युद्धाभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत कई देशों के साथ चीन का तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तैनात किया। यही नहीं, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार इस इलाके में न केवल गश्त लगा रहे हैं बल्कि युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। इस तनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि अमेरिका ताइवान की नौसेना को भी रिमपैक में शामिल होने का न्योता दे सकता है, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका ने चीन के साथ तनाव को चरम पर पहुंचने से रोकने के लिए ताइवान को इस अभ्यास में न्योता नहीं दिया। आमतौर पर रिमपैक में 30 देशों के 50 युद्धपोत सबमरीन, 200 फाइटर जेट और 25,000 जवान हिस्सा लेते हैं। हालांकि कोरोना संकट की वजह से इस बार केवल 5,300 जवान ही हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के तीसरे फ्लीट के कमांडर की माने तो इस युद्धाभ्यास का मकसद प्रशांत महासागर में अपने दोस्तों के बीच एक दूसरे पर निर्भरता और विश्वास को बढ़ाना। यहाँ पर एक जानकारी देते चलें कि युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर और अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। इस बार अभ्यास के दौरान 10 देशों की नौसेनाएं जमीनी हमले और सबमरीन युद्ध कौशल का अभ्यास करेंगे। इस दौरान लाइव फायर के भी अभ्यास होंगे। कोरोना वायरस खतरे को देखते हुए सुरक्षा के खास उपाय किए गए। करीब 14 दिन तक क्वारंटीन रहने के बाद ही इस अभ्यास में सैनिकों को हिस्सा लेने दिया जा रहा है। चीन को भी एक बार फिर से इस युद्धाभ्यास से बाहर रखा गया। साउथ चाइना पर कब्जे के लिए चीन ने एक तरफ अपने कृत्रिम द्वीपों पर फाइटर जेट तैनात किए, वहीं उसकी सबमरीन और युद्धपोत भी इलाके में तनाव की वजह बने। चीन का अपने पड़ोसी देशों भारत, जापान, मलेशिया, वियतनाम और फिलीपींस से तनाव चल रहा है और हांगकांग पर चीन जबरन नियंत्रण के बाद ताइवान पर कब्जे की तैयारी तेज कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिण एशिया में क्या चल रहा है और दक्षिण एशिया के साथ ही साथ पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। इसके परिणाम और दो देशों की जिद कहां लेकर जाने वाली, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।